नमस्कार, आप देख रहे हैं ghamasan.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर भाइयों पर ईडी के छापे। नई दिल्ली में रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर भाइयों मलविंदर मोहन सिंह और शिवदर मोहन सिंह के घर पर ईडी की टीम ने छापे मारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की गई है। दोनों पर पैसों की गड़बड़ी का इल्जाम लगा है। रैनबैक्सी और जापानी फार्मा डाइची सेक्यू के बीच का मामला सालों पुराना है। दोनों कंपनियों के बीच विवादित मामले का निपटारा करते हुए सिंगापुर की अदालत ने रैनबैक्सी को आदेश दिया था कि वो डायरी थैंक यू को 3,500 करोड़ रुपए दे। रैनबैक्सी ने रकम नहीं चुकाई। इसी के खिलाफ डाइची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इनकी मांग है कि रैनबैक्सी को सिंगापुर अदालत का निर्देश मानने का हुक्म दिया जाए। डाइची ने रैनबैक्सी को 2008 में खरीद लिया था। बाद में उसने सिंगापुर न्यायाधिकरण के मामला दायर कर आरोप लगाया कि सिंह बंधुओं ने कंपनी के शेयर बेचते हुए इस तथ्य को छिपाया कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और न्याय विभाग भी जांच कर रहा है। इसके बाद सन फार्मा ने रैनबैक्सी को खरीद लिया और रैनबैक्सी का विलय सन फार्मा में हो चुका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।